स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की डेट्स फिक्स हो चुकी हैं, यानी कि एमपी बोर्ड ने डेट्स वगैरह अनाउंस कर दी हैं। आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है 10th और 12th दोनों का ही, फरवरी के एंड वीक में यानी कि 25 और 28 तारीख से 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो इस बार स्टार्ट हो रहे हैं। एंड ये टाइम पर ही हो रहे हैं क्योंकि वैसे भी मार्च में ही होते थे, बट प्रीवियस सेशन में देखा गया था कि जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो गए थे, यानी कि एक महीने पहले स्टार्ट हो गए थे। उसके अपने कुछ कारण थे, चुनाव वगैरह थे, तो वो सब उससे अपन को दिक्कत नहीं है। बट अब आपको इन बोर्ड एग्जामिनेशन पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर अपडेट भी आ गई है कि CBSE बोर्ड के भी जो एग्ज़ाम है वो भी सेम टाइम पर ही होंगे, यानी कि MP बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम साथ साथ में रहेंगे, गैप वगैरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेम डे रहेंगे, उनके आपसे पहले हो जाएंगे, आपके एग्ज़ाम बाद में स्टार्ट होंगे। बट यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बाद में होंगे या फिर पहले होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन यानी कि 2024 का ही देखें तो फर्स्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा दिए गए थे, उसके बाद मार्च में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए थे। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद भी बच्चे चैन से छुट्टियां नहीं मना पाए थे, उनको बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी भी करनी पड़ी थी। तो इस बार कैसा क्या होगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। देखिए अगर आप भी अपने इंग्लिश स्पोकन या फिर इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। एंड ये आपका बेहतर तभी हो पाएगा जब आपको इंग्लिश आती होगी। एंड इंग्लिश का अगर अपन बेस देखें तो वो है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, टेंसेस का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, नरेशंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का, और भी काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आप इस बुक के थ्रू सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हो। यानी कि आप जीरो से हीरो बन सकते हो। सेंटेंस बनाने आपको आ गए तो जरूरी है कि आप अपने वर्ड्स में रिटन फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर पाओ, तभी तो आप उसको स्पोकन में कन्वर्ट करोगे। इस बुक में आपको एक राइटिंग कंपोजिशन का सेक्शन भी दिया गया है जिसमें कि आप सीखते हो स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, प्रेस एंड स्पीच राइटिंग, ये सारी चीजें आप यहाँ से सीख सकते हो। साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन तो आएंगे ही, जैसे कि स्पॉटिंग एरर हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गए, तो वो सारी चीजें भी आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हो। यानी कि एक ही बुक में आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई भी डिफरेंट बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी अच्छी बुक तो मैंने भी पर्सनल यूज कर रखी है, तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन से बाय कीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट में आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल बता देता हूँ। 6 अगस्त को एमपी बोर्ड ने नोटिस जारी किया था जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आप सभी के पास होगा ये PDF, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो मैं आपको 10th और 12th दोनों का ही शो कर देता हूँ। आप दोनों के स्क्रीन शॉट कैप्चर करके रख सकते हैं या फिर जो पूरा PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब से अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर तो आपका त्यौहार में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपके पास बस 3 महीने बचे हुए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। एंड इसमें भी एक में आपके अर्धवार्षिक हो जाएंगे और अगर प्री बोर्ड आपके इस बार होंगे तो उसमें भी आपके 15 दिन खराब हो जाएंगे। यानी कि मोटा मोटा देखें तो 2 महीने आपको तैयारी अच्छे से करनी है, तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे। एंड बात रही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो इसी नोटिस में कुछ नीचे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं टाइम टेबल के, उनमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा हुआ है तो जिन डेट्स में आपका एग्जाम हो रहा है उसी के बीच में कभी भी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जहाँ पर भी आपका सेंटर पड़ेगा वो कंडक्ट करवा देंगे। बाकी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर आपका एडमिशन है, तो यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो आपके इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले ही कंडक्ट हो जाएंगे, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग के जो 2nd और 3rd वीक रहेंगे उसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। उसके बाद आप आराम से फ्री होकर बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद आप पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे, प्रीवियस सेशन की तरह नहीं होगा कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम बाद में देने पड़ रहे हैं। इसमें भी आप नोटिस में इस पॉइंट में देख सकते हैं साफ साफ आपको डेट्स वगैरह बताई जा रही है, इनके बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। एंड आपके जो मार्क्स हैं वो भी आपके भेज दिए जाएंगे एमपी बोर्ड में, बस उसके बाद फिर आपके थ्योरी के मार्क्स ऐड करके आपका जो रिजल्ट है वो बनाना रहेगा, तो आपके रिजल्ट में भी इस बार ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। तो इस बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो गया है एमपी बोर्ड में। प्रीवियस सेशन में चुनाव वनाव के चक्कर में, स्टेट में जो कुछ भी हो रहा था उनके चक्कर में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, उनको तो अभी तक स्कीम्स का बेनिफिट भी नहीं हुआ है, जो कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई। अब आपके सेशन में अपन आगे देखते हैं कि इनका क्या होता है, सारी अपडेट्स मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।